कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बरौली विधानसभा क्षेत्र में बाहर के प्रत्याशी क्यों आकर चुनाव लड़ते? बाहर का कौन है? आपको चोट लगते थे थाना बंद कर दीजिए, मुख्यालय मत जाइए, बाहर के कौन है? जिला दूसरे जिला के आदमी को बाहर ही कह सकते हैं, इस जिला के आदमी को कैसे कह दीजिएगा? तो आप कसम खा जाइए गोपालगंज नहीं जाइए, काम तो गोपालगंज से होना है, ऐसे बाहर कैसे हो गए? सारा काम कलेक्ट्रेट से लेकर हॉस्पिटल से लेकर सारा एसपी से लेकर मुख्य डीएम तक मुख्यालय में बैठता है, दौड़ के आप रोज जाते हैं मुख्यालय में। तो कहिए काम रह जाएगा। 2005 से पहले भी बिहार एक पिछड़ा राज्य था, 2005 आज 2022 से आज भी बिहार पिछड़ा राज्य है, इसके ऊपर आप क्या कहें? 90 के दशक से लेकर 2005 तक जो गरीबों का आंसू पोंछने का काम लालू यादव ने किया, वो आज तक दूसरा सरकार नहीं कर पाई। कैसे? गोपालगंज की बिल्कुल, अभी देखिए कोई सुनता नहीं है, थाने में घूस चल रहा है, ब्लॉक में घूस चल रहा है, हॉस्पिटल में घूस चल रहा है, कुछ सुनने वाला है क्या? बिल्कुल उठाते हैं, सड़क से लेकर सदन तक उठाए हैं, हमारे सामने विधायक बैकुंठपुर बैठे हुए हैं, कई बार इस चीज को उठाए हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, सड़क को लेकर कई बार उठाए हैं, ये जो है गुंडागर्दी को लेकर के। आप बरौली को लेकर, बरौली के समस्याओं को लेकर कितनी बार आवाज उठाए? बरौली के लेकर कौन पूछे, जिला की आवाज हम लोग बन के उठाए हैं, कई बार उठाए हैं, जो भी अत्याचार करता है, कोई भी अगर हत्या होती है या कोई भी, सबसे पहले अगर पहुंचता है तो आरजेडी पहुंचता है हॉस्पिटल में, राजू हक राजू पहुंचते हैं, आप उठा के देखिएगा इतिहास। हम लोग देखते हैं लेकिन कई बार जब देखा जाता है कि राजू जी पहुंचते हैं, कोई सभा होता है, कोई प्रोग्राम होता है या चुनाव के समय पहुंचते हैं, राजू जी आप जो ज्वलंत मुद्दा है बरौली का, उसके ऊपर राजू जी क्यों नहीं बोलते? जी बिल्कुल बोलते हैं, आपको बरौली ही नहीं पूरे जिले को बोलते हैं, हमने जो कहा वो बात कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर कोई भी घटना होती है, चाहे किसी समुदाय को गोली लगती है या कोई अप्रिय घटना होती है, किसी की रेप होती है, सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं। आप कह रहे हैं कि 90 के दशक में पूरे बिहार का कल्याण हुआ, गरीबों का कल्याण हुआ, लेकिन देखिए गोपालगंज की क्या दशा है जहाँ पे आप बैठते हैं, गोपालगंज की 2005 के बाद से दशा बिगड़ गई, बिगड़ी बिल्कुल। ये लोग हम लोग आरोप लगाते थे कि जंगल राज है, हम आरोप लगाते हैं कि महाजंगल राज है, आज तो कोई गरीब को सुनने वाला नहीं है। लेकिन आपके महाजंगल राज का जो बात को तो कोई सुन नहीं रहा है, जंगल राज की बात को सुनेगा आने वाला दिन में, हम तो विरोध करते हैं सड़कों से लेकर सदन तक, आने वाले दिन में तेजस्वी की सरकार बनेगी, फिर वही 90 के दशक रिटर्न करके आया और जो है गरीबों का आवाज बनेगा। हमारे गठबंधन से कुचायकूट से कौन लड़ा? काली प्रसाद पांडे लड़े। गोपालगंज से कौन लड़ा? गफूर साहब के पोता थे। यहाँ से हम थे, प्रेम शंकर यादव बैकुंठपुर से थे, कुशवाहा वर्ग से राजेश जी थे जो है हथुआ से, और भोरे से कौन था? दलित वर्ग से था। कहा नहीं बोला हिस्सेदारी क्यों नहीं मिला बोलिए? मतलब रातों रात डिसाइड हो जाता है कि इनको टिकट दे देना है, जो मतलब कुछ लोगों का, राजू जी कुछ लोगों का ये भी कहना है, राजू जी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बरौली विधानसभा क्षेत्र में बाहर के प्रत्याशी क्यों आकर चुनाव लड़ते? बाहर का कौन है? आपको चोट लगते थे थाना बंद कर दीजिए, मुख्यालय मत जाइए, बाहर के कौन होता है जी? बाहर दूसरे जिला के आदमी को बाहर ही कह सकते हैं, इस जिला के आदमी को कैसे कह दीजिएगा? तो आप कसम खा जाइए गोपालगंज नहीं जाइएगा, आप बोलिए, सारा काम तो गोपालगंज से होना है, ऐसे बाहर कैसे हो गए? सारा काम कलेक्ट्रेट से लेकर हॉस्पिटल से लेकर सारा एसपी से लेकर मुख्य डीएम तक मुख्यालय में बैठता है, दौड़ के आप रोज जाते हैं मुख्यालय में, तो कहिए कि हम नहीं जाएंगे। राजू जी एक सवाल है, एक सबसे बड़ा सवाल है, बरौली में जो थाना पर जो दलाली चल रहा है लगातार, 10-10-20 दलाल हैं, और चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो यहाँ का मतलब कि अस्पताल हो, हर जगह दलाल जो बरौली में है चप्पे पर व्याप्त, इसके ऊपर राजू जी आप क्या कहेंगे? अगर मैंने मेरे संज्ञान में नहीं है, लोगों का भरोसा आपके ऊपर है, विश्वास मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर जो भी आता है संज्ञान में उस काम को हम करवाते हैं चढ़ करके, माने यहाँ के जनता तो मेरे साथ जीतना है अलग चीज है, नहीं ये संज्ञान में, अगर संज्ञान में कोई आता है कि कोई अमीर गरीब को मार रहा है, कोई अत्याचारी हो रहा है, तो हम लोग समाधान करते हैं, अगर ऐसा कोई होगा आप बताइएगा, अगर नहीं हम उठाए तो जो कहिएगा सो।